ब्रदर जी, बाइबल के अनुसार सच्ची आराधना कैसी होनी चाहिए? प्रिय भाई, स्वर्ग में सराफीम प्रभु के दूत अपने पंखों से अपने आप को ढांपे हुए 24 घंटे पवित्र 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 बोलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जब हम इब्रानियां 12 अध्याय उसके 28 वचन को देखते हैं, भक्ति और बै सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, और विश्वासी लोगों को जो वे आराधना करते हैं तो बहुत डर और भय के साथ परमेश्वर के आगे बैठे और परमेश्वर के आगे झुके, क्योंकि जो आराधना डर और भय के साथ की जाती है वो ही आराधना परमेश्वर को प्रसन्न है। विश्वासी चाहता है कि मेरी आराधना स्वर्ग में प्रभु को प्रसन्न आए, तो उसे डर और भय के साथ प्रभु की आराधना करना है।